हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, बहुत बड़ी ग्रुप की कंपनी बताऊंगा। ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा है भाई, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा। इस कंपनी में आपको ईयरली 50% का रिटर्न मिल सकता है। आप लोग का भाई पैसा बन रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो बेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू ईयर देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था वो 200.24 था, मार्च 15 में 200.24 था, और मार्च 19 में देख लो 423.05 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर वाइज 200 से 423 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 211.66 था, मार्च 15 में 211.66 था, और मार्च 19 में देख लो 448.56 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज 211 से 448 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 149.22 था, मार्च 15 में 149.22 था, और मार्च 19 में देख लो 302.03 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 149 से 302 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 160.64 था, मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 327.57 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 160 से 327 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह देते हो भाई तो आपका हर साल 50% तक रिटर्न मिल सकता है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा, निफ्टी 50 का स्टॉक है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी में पैसा बनेगा ही। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर था वो 125.93 था, मार्च 15 में 125.93 था, और मार्च 19 में देख लो 307.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर ईयर टू ईयर वाइज 125 से 307 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 125.93 था, मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 307.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका रिपोर्टेड पैट है ईयर टू ईयर वाइज, 125 से 307 हो चुका है, तो ये भी शानदार है। एनुअल EPS देख लो भाई, एनुअल EPS भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल EPS था वो 7.91 था, मार्च 15 में 7.91 था, और मार्च 19 में देख लो 19.30 हो चुका है, तो ये भी शानदार है भाई एनुअल EPS भी। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना चाहिए भाई। क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, खरीद के रख लीजिए।
लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा इस कंपनी में, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा, तो खरीदिएगा, क्वालिटी कंपनी है। इस कंपनी का भाई नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, बजाज फाइनेंस का बाप है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। बहुत लोग बोलेंगे कि बजाज फिनसर्व बहुत महंगा है, तो जी हाँ ये स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन भैया रिटर्न भी ऐसी ही कंपनी बनती है। तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, एनुअली ये कंपनी आपको आराम से 50% तक रिटर्न बना के दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, बजाज फिनसर्व में आपका पैसा सेफ रहेगा, तो पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाइएगा तो पैसा क्यों नहीं बनेगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाते नहीं हो, जिसकी वजह से आपका पैसा बन नहीं पाता है। आलतू फालतू कंपनी खरीदने से अच्छा है कि आप बजाज फिनसर्व में पैसा लगाएं, आईजीएल में पैसा लगाएं, बर्जर पेंट में पैसा लगाएं, क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओगे भाई तो पैसा बनेगा ही। बजाज फिनसर्व के अंदर फ्रेंड तीन कंपनी आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज की जो जनरल कंपनी फ्रेंड वो भी आती है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये दोनों कंपनी का भाई अभी आईपीओ नहीं आया है, बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बजाज की जो जनरल कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये सभी लिस्ट हो सकती हैं। डेट तो भाई मुझे नहीं पता कब लिस्ट होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 सालों में ये सब कंपनी लिस्ट हो सकती हैं। तो खरीदिए, क्वालिटी कंपनी है, बजाज फिनसर्व का भाई बाप है, बजाज की जो होल्डिंग कंपनी है, हालांकि मुझे होल्डिंग कंपनी उतनी पसंद नहीं है। आप लोग अगर पैसा लगाना चाहते हो तो बजाज फाइनेंस में पैसा लगाओ और बजाज फिनसर्व में पैसा लगाओ। मेरा भाई दोनों ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, बजाज फाइनेंस में मैं SIP करता हूँ, आप लोग को पता होगा ही। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। बजाज फिनसर्व लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 2850.29% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा 10 साल में। 10 साल में स्टॉक 28 गुना हो चुका है भाई, सेंसो का रिटर्न है वो 139.52% रिटर्न है। 3 साल में देख लो, 3 साल में रिटर्न है वो 222.08% रिटर्न है, सेंसो का रिटर्न है 53.42% रिटर्न है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में 61.72% रिटर्न है, सेंसो का रिटर्न है 14.45% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट रिटर्न है वो 39.66% रिटर्न है, सेंसो का रिटर्न है 11.89% रिटर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 39% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में 12.66% रिटर्न है, सेंसो का रिटर्न है 4.81% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में 2.68% रिटर्न है, सेंसो का रिटर्न है -0.73% रिटर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में -0.13% रिटर्न है, सेंसो का रिटर्न है 0.17% रिटर्न है। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में बजाज फिनसर्व को जगह दो, क्वालिटी कंपनी है भाई, ये कंपनी आपको एनुअली आराम से 50% तक रिटर्न बना के दे सकता है, तो खरीदिए, क्वालिटी कंपनी है। अगर आप बजाज फिनसर्व में पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो ICICI लोबार्ड में पैसा लगाओ, HDFC लाइफ में पैसा लगाओ, ये सब भी कंपनी भाई ख़राब नहीं है, और ये सब कंपनी में बजाज फिनसर्व से मुझे लगता है ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 60.71% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 8.46% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 3.56% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 2.39% होल्डिंग है। अदर DI पर जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 0.66% होल्डिंग है। नॉन इंश्योर इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 24.09% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बजाज फिनसर्व का प्लेस नहीं है भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है वो 39% होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 16.91% होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बजाज फिनसर्व लिमिटेड का।
बजाज फिनसर्व लिमिटेड का पी रेशियो है वो 38.53 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है बजाज फिनसर्व का 5.53 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। बजाज फिनसर्व का डिविडेंड यील्ड भाई बहुत ही गंदा है, 0.03% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी लेटर देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है बजाज फिनसर्व लिमिटेड का, 45.24% का है। आरओसी लेटर है 14.35% का है। तो भैया मुझे इसका आरओसी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, 45% का भाई कम नहीं होता है। वैल्यूएशन देख लो भाई, वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो भैया ये स्टॉक आज से 5 साल पहले महंगा था, 6 महीना पहले महंगा था, आज भी महंगा है और आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। क्वालिटी कंपनी है, खरीदना है तो खरीद लो। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का वेरी अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 4,888 इसका अट्रैक्टिव प्राइस होगा, वेरी अट्रैक्टिव प्राइस होगा भाई, जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बजाज फिनसर्व लिमिटेड का गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 49.75% का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 28.30% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ, एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी देख लो बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने किस टाइप से टर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 2,852% टर्न है, 5 साल में 776% टर्न है, 3 साल में 222% टर्न है, 1 ईयर में 61% टर्न है, ईयर टू डेट में 39% टर्न है, 1 मंथ में 12% टर्न है, 1 वीक में 2% टर्न है। तो देख सकते हो भाई ये कंपनी लगातार रिटर्न बना के दे रही है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है भाई, निफ्टी 50 का स्टॉक है और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा। तो खरीदिए, बढ़िया कंपनी खरीदिएगा तो पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में, साल में भाई 50% आपका कहीं नहीं गया है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 9,140 रुपया, 52 वीक लो है 4,960 रुपया। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, कुछ दिन में इस कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का भी हो जाएगा। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है। बजाज फिनसर्व का पी जो है वो 406 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 38.49 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले बजाज फिनसर्व का पी हाई है। बजाज फिनसर्व का बुक वैल्यू जो है वो 198.63 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो 22.31 का अर्निंग पर शेयर है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड बहुत ही गंदा है, 0.03% का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 5 का है। तो आप लोग बजाज फिनसर्व लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, क्वालिटी कंपनी है भाई, निफ्टी 50 का स्टॉक है, 0 डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी में पैसा बनेगा ही और सबसे बड़ी बात भाई इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा। तो खरीदिए सर कंपनी को, क्वालिटी कंपनी है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।